पहला हमने डिस्कस करा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या है, दो पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अगला मुझे क्या करना है, अगला मुझे करना है सेम इसी बेसिस पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब मुझे एक पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन, और क्या दिया है, स्लोप दिया है। स्लोप क्या होती है, एम। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या हो जाती है, देखो स्टूडेंट्स वो ना यहीं से उठ के आ जाएगी। ये मेरे पास क्या है, ये क्या लिखा है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये चीज बेसिकली क्या है, ये चीज है बेसिकली एम, ये चीज क्या है एम। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसी वाली इक्वेशन को यहां पर लाके लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। कुछ भी नहीं करा, बस इस वाली चीज को मैंने लिख दिया एम। ये है क्या, ये ऑलरेडी स्लोप है ना, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एम। एम होती है स्लोप, एम क्या होती है, स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट है एक्स वन वाई वन, स्लोप है एम, ठीक है। तो ये हो गई, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। थीटा क्या होता है, एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आ गया, मिल गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म।